तो दोस्तों आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही खस्ता और कुरकुरा पापड़ी बनाएंगे। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लेस टेस्टी भोजन में। तो पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हम गेहूं का आटा ले रहे हैं। इसमें मोइन के लिए रिफाइंड तेल डालेंगे, ये है कुटी हुई सौंफ, ये लिए हैं अजवाइन, इसे हाथों से ऐसे मसल कर डालेंगे, ये लिए हैं सूखी हुई मेथी का पत्ता, इसे भी हाथों से मसल कर इसमें डालेंगे, ये है तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, ये है जीरा पाउडर, ये है चाट मसाला पाउडर और आखिरी में ये स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसका हम सख्त आटा गूंथेंगे। तो ये देखिए आटे को सख्त गूंथ लिए हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया है, अब इसका हल्का बड़ा लोई लेंगे, चकली के ऊपर तेल लगाएंगे, अब इसे रोटी के जैसा बेलेंगे। तो ये देखिए इसे हम इतना पतला रखेंगे। अब एक ऐसा वाला कांटेदार चम्मच की सहायता से रोटी में छेदा करेंगे। अब एक ग्लास की सहायता से इसकी पापड़ी काट लेंगे। पापड़ी काटने के बाद ये जो किनारा वाला भाग बचा है इसे फिर से गूंथे हुए आटे में मिला देंगे। तो इसी तरह पहले सारे पापड़ी बनाकर रख लेंगे। तो ये देखिए इतना सारा पापड़ी काट लिए हैं, अब इसे तल लेंगे। आंच को धीमी से मध्यम के बीच रखेंगे, दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो पापड़ी अच्छे से पक गया है, अब इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट गेहूं के आटे की पापड़ी बनकर तैयार है। एक पीस तोड़ कर दिखाते हैं आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बना है। तो कैसी लगी हमारी यह रेसिपी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।